एंड वेलकम ऑल। कन्फ्यूज वर्ड्स में आज 12 कन्फ्यूजन्स को एक साथ देखेंगे। समय कम लगे इसलिए सभी वर्ड्स का प्रोनंसिएशन लिख दिया गया है। बीच में भी जो सेंटेंस में डिफिकल्ट वर्ड है उसका प्रोनंसिएशन मीनिंग लिखा हुआ मिलेगा, देख लीजिए लिखा हुआ है। और लास्ट थर्ड स्लाइड में भी सारे वर्ड्स का प्रोनंसिएशन और बीच वाले वर्ड्स का प्रोनंसिएशन का जरूरत है तो अदरवाइज मीनिंग लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। पहला बर्थ और बर्थ, दोनों का प्रोनंसिएशन एक ही होता है बर्थ। जो डिफरेंस है वह है ई का और आई का स्पेलिंग में, ये ध्यान रखना है। तो पहले बर्थ का मतलब होता है सोने का जगह जहां पर सोते हैं। जैसे ट्रेन में जो होता है सीट उसे बर्थ कहते हैं क्योंकि उसको सोने के लिए अधिकतर प्रयोग करते हैं। और बर्थ मतलब जन्म तो आप जानते ही हैं। तो मीरा गॉट हर बर्थ रिजर्व्ड फॉर हरसेल्फ इन अ ट्रेन। मीरा ट्रेन में अपने लिए बर्थ, ये स्पेलिंग गलत हो गया, BERTH, बर्थ रिजर्व करवाया। हाँ, तो सोने का जगह रिजर्व करवाया, ये हो गया बर्थ मतलब जन्म। अ पर्सन्स बर्थ इज मीन्ट फॉर द सर्विस ऑफ सोसाइटी। एक आदमी का जन्म, एक आदमी के जन्म का अर्थ होता है समाज की सेवा करना। हाँ, ये हो गया बर्थ का प्रयोग। नाउ बिसाइड और बिसाइड्स, देखिए अंतर क्या है कि पहले वर्ड में एस नहीं है, दूसरे वर्ड के अंत में एस है, इतना ही अंतर है बिसाइड और बिसाइड्स में। यह बिसाइड एक प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है समीप, और बिसाइड्स इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। दोनों ही प्रीपोजिशन ही है, मतलब होता है पहले का समीप और दूसरे का के अतिरिक्त। तो मीरा इज सिटिंग बिसाइड हर नीस, नीस बोलते हैं इसे भतीजी। मीरा अपने नीस के साइड में बैठ रही है, नीस के समीप में बैठ रही है। नाउ बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। राम गेट्स फ्री एकोमोडेशन, राम प्राप्त करता है मुफ्त आवास, मुफ्त आवास। बिसाइड्स हिज सैलरी, अपने वेतन के अतिरिक्त, राम अपने वेतन के अतिरिक्त मुफ्त आवास प्राप्त करता है। नाउ देखिए तीसरा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले को पढ़ते हैं ब्रेथ, दूसरे को पढ़ते हैं ब्रीथ, तीसरे को पढ़ते हैं ब्रेथ, डी डॉ रहता है ब्रेथ। पहला ब्रेथ है नाउन, दूसरा है वर्ब और तीसरा भी है नाउन। तो ब्रेथ मतलब सांस। अ डीप ब्रेथ रिफ्रेशेस द बॉडी एंड माइंड, एक गहरी सांस शरीर और दिमाग मस्तिष्क को रिफ्रेश कर देती है। ब्रेथ का प्रयोग कर दिया, ब्रीद हो गया वर्ब, ब्रीद सांस लेना। जैसे आप एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, तो जो तेज सांस लेते हैं फिर अंदर करते हैं उसको कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि ब्रीद कहते हैं इसे। राम ब्रीदेड हिज लास्ट, राम ने अपनी अंतिम सांस लिया एट द एज ऑफ 99 ईयर्स के एज में। एक एक idiom है that is breathe once last, मतलब अंतिम सांस लेना। तो once का जब कोई preposition आ जाता है possessive वाला, तो राम breathed his last, राम ने अंतिम सांस लिया at age of 99। Now breadth, breadth मतलब चौड़ाई। A square has equal length and breadth। देखिए स्क्वायर का मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ये स्क्वायर हो गया। इसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी है 2 सेंटीमीटर। तो लंबाई को बोलते हैं लेंथ और चौड़ाई को बोलते हैं ब्रेथ, यही चौड़ाई है। तो एक वर्ग का, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई एक समान होती है। नाउ कैनवास और कैनवास, इसमें अंतर क्या है कि पहले कैनवास के अपेक्षा दूसरे में एक एस अधिक है अंतिम में, यही है। पहला है मोटा कपड़ा, आप टेंट वगैरह कपड़ा देखे होंगे, आप थैला देखे होंगे कपड़े का, तो मोटा कपड़ा वही कैनवास है। पेंटिंग भी कैनवास पे की जाती है, MF हुसैन एक पेंटर का नाम है, MF हुसैन पेंट्स ऑन कैनवास।
एमएफ हुसैन मोटे कपड़े पे पेंट करते हैं। कैनवास मतलब वोट मांगना, ध्यान रखिए मांगना। अभी आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, वहां पे मिथुन चक्रवर्ती हीरो जो आप जानते हैं वो बीजेपी की तरफ से हैं और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, इसी को यूज किया है। मिथुन इज कैनवासिंग, मिथुन वोट मांग रहे हैं फॉर बीजेपी, बीजेपी के लिए इन वेस्ट बंगाल इलेक्शन, वेस्ट बंगाल के चुनाव में। तो इस तरह से इस स्लाइड के चार कंफ्यूजन्स दूर हो गए। आगे चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, बचकाना, और चाइल्ड लाइक मतलब होता है भोला भाला। चाइल्डिश किसी को कहते हैं मतलब निगेटिव है, शिकायत करते हैं हम किसी का, और चाइल्ड लाइक कहते हैं तो यह एक पॉजिटिव वर्ड है और हम किसी की बुराई करते हैं पॉजिटिव कहकर, चाइल्ड लाइक कहकर, समझ गए होंगे। तो चाइल्डिश, मैच्योरिटी रिमूव्स चाइल्डिशनेस, मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता दूर करती है बचकाने को, परिपक्वता बचकाने को दूर करती है। चाइल्ड लाइक मतलब भोला भाला। एवरी वन लाइक्स चाइल्ड लाइक हैबिट्स, सभी भोला भोले भाले आदतों को पसंद करते हैं, ये हो गया चाइल्ड लाइक। फिर देखिए 35th नंबर, तीनों वर्ड का उच्चारण एक ही है साइट, लेकिन इनका मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। एक सी से है साइट मतलब उद्धृत करना, उदाहरण देते हैं हम उसको कहते हैं उद्धृत करना। फिर है कार्यस्थल साइट, जहाँ पे काम चलता है, हम कहते भी हैं कि साइट पे जा रहे हैं, चाहे साइट पे हैं चाहे साइट पे कुछ भी, साइट मतलब कार्यस्थल और साइट मतलब दृश्य, साइट मतलब दृश्य। तो पहले साइट उद्धृत करना, जैसे हम बात करते करते कहते हैं कुछ भी, कहते हैं कि उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं, तो उदाहरण प्रस्तुत करना ही उद्धृत करना कहलाता है। साइटिंग एग्जाम्पल्स, उदाहरण प्रस्तुत करना। क्लियर्स द व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण को क्लियर करता है, साफ करता है, एग्जाम्पल से दृष्टिकोण साफ होता है। साइट मतलब कार्यस्थल। प्रेजेंस एट वर्किंग साइट इंश्योर्स ऑर्डरलीनेस, मतलब कार्य के स्थल पर, वर्किंग साइट मतलब साइट जहां पर काम चल रहा है, कार्यस्थल पर प्रेजेंस उपस्थित होना इंश्योर्स सुनिश्चित करता है ऑर्डरलीनेस मतलब व्यवस्था को, सुव्यवस्था को, सुव्यवस्था को सुनिश्चित करता है कार्य स्थल पर प्रेजेंट होना। साइट मतलब दृश्य, साइट देखते हैं आप अगर एरोप्लेन में है नीचे देखते हैं चाहे बादलों का साइट देखते हैं तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, तो वो सब साइट है। चाहे पहाड़, किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो देखते हैं ऊंचे नीचे पहाड़ देखते हैं आप, कुछ भी सब साइट्स है। तो साइट सीइंग मतलब उस तरह के साइट देखना इज अ हॉबी, एक आदत है, साइट सीइंग इज अ हॉबी, एक आदत है। नाउ द 36th नंबर इज कॉम्प्लीमेंट, दोनों का उच्चारण कॉम्प्लीमेंट है, स्पेलिंग में ई और आई के जगह पे देख लीजिए, स्पेलिंग में यहीं पर डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इस पहले कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, एक तो आप मैथ में कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट, वो उसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। जैसे सपोज एक लेक्चर प्रस्तुत किया जा रहा है, इस लेक्चर को राइट करता है ए और प्रस्तुत करता है बी, तो क्या कहेंगे कि ए और बी दोनों के कारण से लेक्चर प्रस्तुत हो रहा है, ए और बी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, पूरक का काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक काम को पूरा कर रहे हैं, उनके बिना काम नहीं चल सकता है। तो यही प्लानिंग एंड एजुक्यूशन, योजना और कार्यान्वयन आर कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक होते हैं, मतलब किसी काम को करने के लिए हम योजना बनाते हैं और फिर उसी योजना के अनुसार हम एजुक्यूशन करते हैं, कार्यान्वयन करते हैं, कार्य करते हैं। तो अगर योजना नहीं बनाए तो कार्य कैसे होगा, अगर कार्य नहीं होगा तो योजना बनाने का फायदा क्या है। तो प्लानिंग एंड एजुकेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री, जिस तरह से ए और बी का एग्जांपल दिया वैसे ही। नाउ कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब दो होता है, एक होता है प्रणाम करना और एक होता है प्रशंसा करना। जो आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोला करते हैं वो क्या है, आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं जिससे बोला करते हैं उसको। तो यहाँ पे पेइंग कॉम्प्लीमेंट, और किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो अपनी श्रद्धा दिखाते हैं ना उसके प्रति, आप किसी को देखते हैं
और फिर बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, मतलब आप अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं आपके प्रति आपका श्रद्धालु हूँ, मतलब मैं मानता हूँ कि आप महान आदमी है मेरे मेरे अपेक्षा। तो पेइंग कॉम्प्लीमेंट या बड़े आदमी है, पेइंग कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रणाम करना, शोज आवर डिवोशन, हमारी भक्ति को दिखाता है। अब इस कॉम्प्लीमेंट का प्रशंसा करना देख लेते हैं। प्रशंसा करना भी कॉम्प्लीमेंट देना होता है। जैसे आप पिक्चर्स में देखते हैं हीरोइंस को, यू लुक ब्यूटीफुल, तो हीरोइन क्या बोलते हैं, थैंक यू, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा करना, यही कॉम्प्लीमेंट है। तो पेइंग कॉम्प्लीमेंट्स, प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट के साथ पे वर्ड आता है, पे, पे का मैंने आईएनजी यूज कर लिया है, तो यहाँ भी पेइंग कॉम्प्लीमेंट्स। पेइंग कॉम्प्लीमेंट्स स्ट्रेंथेन, मजबूत करती है, प्रशंसा करना मजबूत करती है इंटीमेसी, अपनापन को। अब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वह आपको अपना समझता है, उसके और अधिक समीप चले जाते हैं आप उसके विचारों में। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट हो गया। नाउ कॉन्सस, कॉन्सेंस एंड कॉसस, देखिए इसमें दोनों में अंतर। कॉन्सस, सी ओ एन को तो कॉन, कॉन, ठीक है, दोनों में, फर्स्ट टू में ओनली, और फिर एस सी आई ओ यू एस, इतना पढ़ेंगे शश, और यहाँ पे साइंस का जो स्पेलिंग है वही लिखा हुआ है साइंस, लेकिन इसे साइंस नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सन्स, इसे पढ़ेंगे सन्स। तो पहला हो जाएगा कॉन्सस, दूसरा होगा कॉन्सन्स, और फिर तीसरा कौशस, कौशस यहाँ लिखा हुआ है, कौशस मतलब सावधान, कॉन्सन, कॉन्सस मतलब सचेत, कॉन्सन्स मतलब विवेक, विवेक मतलब दिमाग, बुद्धि, सचेत, प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिस काम में कर रहे हैं उसी काम में रहना, प्रेजेंस ऑफ माइंड इंप्रूव्स कॉन्सियसनेस, सचेतता को बढ़ाती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड सचेतता को बढ़ाती है। जैसे मैं अभी आपको ये सब लेक्चर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और भी सोचूंगा तो मैं वर्ड्स को, सेंटेंसेस को गलत गलत बोल सकता हूँ, तो मुझे पूरा ही प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता है जब आप सबको कुछ लेक्चर देना होता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्प्रूव्स कॉन्शियसनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड सचेतता को इम्प्रूव करती है। नाउ कॉन्सेंस, कॉन्सेंस मतलब विवेक, मीरा हैज क्लियर कॉन्सेंस, मीरा के विवेक स्पष्ट है। जैसे मैं बतला रहा हूँ आपको सपोज कन्फ्यूज वर्ड्स के बारे में, हाँ मैं कन्फ्यूज वर्ड्स के बारे में ना बतला कभी वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कभी होमोफोनिज, मेनी देयर मेनी थिंग्स इन इंग्लिश ग्रामर, तो हम उनकी बातें करने लगे यहाँ पे, यहाँ मतलब क्या कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा तरीका अच्छा है, मेरा विवेक जो है, कॉन्सेंस है, वह क्लियर नहीं है। तो पहले मुझे कहना पड़, सोचना पड़ता है कि अच्छा कन्फ्यूज वर्ड्स है, जो लिखा है उतना को ही बतलाना है, क्योंकि मेरे पास तो लिमिट नहीं होगी। अगर साइट की बात करेंगे तो साइट के बारे में कितना कुछ कह सकते हैं, तो हमें लिमिट करना पड़ता है, इसी पर रहना पड़ता है, तभी आप समझेंगे। तो पहले माइंड को क्लियर करना पड़ता है, कॉन्शंस को क्लियर करना पड़ता है। नाउ कॉशस मतलब सावधान, वन शुड ड्राइव कॉशसली, वन शुड ड्राइव मतलब किसी को, चाहे सभी को, सभी को सावधानी पूर्वक ड्राइव करना चाहिए, गाड़ी चलाना चाहिए, सभी को सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना चाहिए। अब है, ये भी कंफ्यूजन दूर कर दिया है, अब लास्ट स्लाइड है, इसे देखते हैं। देखिए कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल मतलब लगातार, ब्रैकेट में रहेगा रुक रुक कर, थोड़ा रुक रुक कर, फिर है कंटिन्यूअस मतलब लगातार। अब देखिए मैं वार्न करता हूं सपोज, हाँ बच्चों को, आपको कि समथिंग, किसी चीज के बारे में ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से समझो आप, तो वार्न मैं क्या हमेशा ध्यान से देखो ध्यान से समझो ये कहते रहूंगा, नहीं कहूंगा ना मैं, दो मिनट चार मिनट के बाद कहते रहूंगा। तो ये जो वार्निंग देने का काम मैं करूंगा, उदाहरण जो है यह क्या रहे, लगातार तो रहेगा लेकिन थोड़ा रुक रुक कर रहेगा, इसको कहेंगे कंटिन्यूअल। लेकिन वही बरसात हो रही है, लगातार दो घंटे बरसात हो गई, तो इसे कहेंगे कंटिन्यूअस, रुकी नहीं बीच में। वही बरसात अगर दिन में कभी एक घंटा, कभी दस मिनट, कभी पांच मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 45 मिनट्स करके दिन भर बरसात हुई है, तो हम कहेंगे कि कंटिन्यूअल बरसात हुई है 25 तारीख के डेट में, कुछ भी डेट हो। लेकिन वही कंटिन्यूअस कहेंगे अगर दो घंटा बरसात हुई है, दो घंटा की ही बात करेंगे, तो कहेंगे कि आज लगातार दो घंटा बरसात हुई है, कंटिन्यूअसली 2 आवर्स बरसात हुई है।
तो इस तरह से कंटिन्यूअल का मतलब ही लगातार, कंटिन्यूअस का मतलब ही लगातार, लेकिन जो कार्य होता है उसमें ब्रेक बीच में नहीं होता है, विराम नहीं होता है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअल मतलब ठीक है दिन भर चल ले, बीच में रुक रुक जाए, कुछ और भी हो जाए, तो उसे भी कंटिन्यूअल, उसे कंटिन्यूअल कह लेते हैं। यहाँ प्लीज माइंड माई कंटिन्यूअल वार्निंग, कृपया मेरे लगातार चेतावनियों को माइंड करें, ध्यान में रखें। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कंटिन्यूअस रेन हैज डिस्टर्ब नॉर्मल लाइफ, लगातार बरसात सामान्य जीवन को बाधित कर दी है। नाउ जो 39 नंबर इज कोर्स, कोर्स दोनों का उच्चारण एक ही है, कोर्स। पहले कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम, दूसरे का घटिया। आवर इंग्लिश कोर्स इज वेरी एक्सटेंसिव, हमारा अंग्रेजी का कोर्स बहुत एक्सटेंसिव है, विस्तृत है। और यही चीप आइटम्स, सस्ते आइटम्स आर समटाइम्स वेरी कोर्स, कभी कभी बहुत घटिया होते हैं, सस्ते आइटम कभी कभी बहुत घटिया होते हैं। नाउ 48, क्रेडिबल क्रेडिटेबल क्रेडुलस। देखिए क्रेडिबल मतलब होता है विश्वास के योग्य, विश्वास के योग्य क्रेडिबल। और क्रेडिटेबल का मतलब होता है प्रशंसा के योग्य, क्रेडिटेबल मतलब प्रशंसा के योग्य। तो दोनों का ही सेंटेंस एक ही यूज किया है, देखिए कैसे। अ क्रेडिबल पर्सन, एक विश्वास के योग्य आदमी, इज क्रेडिटेबल प्रशंसा के योग्य होता है, एक विश्वास के योग्य आदमी प्रशंसा के योग्य होता है। और दूसरे में भी इसी सेंटेंस को उतार दिया है। नाउ क्रेडुलस, क्रेडुलस मतलब आशुविश्वासी, आशुविश्वासी का मतलब जो जल्दी ही विश्वास कर लेता है, कोई कुछ भी कहेगा विश्वास कर लेगा, उसे कहते हैं आशुविश्वासी। बीइंग क्रेडुलस, आशुविश्वासी होना इज अ चाइल्ड लाइक क्वालिटी, एक भोला भाला गुण है, एक भोला भाला गुण है। जिस तरह से बच्चे विश्वास करते हैं कुछ भी कह दीजिए, वैसे ही तुरंत जो विश्वास कर लेते हैं उन्हें कहते हैं क्रेडुलस, अशुविश्वासी। नाउ द लास्ट वन इज डिसीज एंड डिसीज, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, डिसीज है, मृत्यु बीमारी। माय डिसीज फादर, मेरे मृत पिता, इंस्पायर्स मी, मुझे प्रेरित करते हैं, लाइक अ लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ की तरह। प्रकाश स्तंभ देखा होगा आपने, कहीं लगा होता है बहुत ऊंचे जगह पे और बाकी जगह अंधेरा भी हो, लेकिन इस प्रकाश स्तंभ से सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं, जगमगाते रहता है पूरा एरिया जहां तक प्रकाश स्तंभ की रीच होती है। वैसे ही एक पिता एक बच्चे के जीवन में उस तरह के रोल निभाते हैं। तो यही है, और माय डिसीज्ड फादर, डिसीज्ड यूज कर दिया, मेरे मृत पिता इंस्पायर्स में, मुझे प्रेरित करते हैं लाइक अ लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ के समान। नाउ डिसीज मतलब बीमारी, योगा कीप्स डिसीजेस अवे, योगा बीमारियों को दूर रखता है। थैंक यू वेरी मच।